नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूँ आज एक बार फिर से एक चर्चा लेकर। और आज की जो चर्चा है वह फोरा वर्ग कुंडली के ऊपर है। षोडश वर्ग में फोरा दूसरी वर्ग कुंडली है, जिसे हम डी टू बी कहते हैं। फोरा कुंडली मतलब डी टू सेकेंड भाव का विस्तृत रूप है और एक जातक के धन या वैभव देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि धन से संबंधित खुशियां इसी से देखी जाती है, धन से संबंधित समस्याएं इसी से देखी जाती है, धन की प्राप्ति और नुकसान भी इसी से देखा जाता है। अनेक विद्वानों ने फोरा कुंडली की कैलकुलेशन की अलग अलग थ्योरीज या मेथड जो है विधियां बताई। आज की चर्चा में हम उन्हीं विधियों में से उन्हीं मेथड में से एक मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे और बाकी के जो कुछ मेथड हैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर कस्पल थ्योरी या केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो भी चार्ट हम समय समय पर अपलोड करते हैं आप उन्हें मिस मत करिएगा। साथ ही यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, प्लीज एप्लीकेबल रहे। चलिए चर्चा वो आगे बढ़ाए। D2 चार्ट नॉर्मली दोस्तों जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे एस्ट्रोलॉजी के, उन सब में पराश्री होरा का या जिसे हम शंभु होरा भी कहते हैं उसी का प्रयोग किया जाता है। इस पराश्री होरा की कैलकुलेशन पर बात कर लेते हैं, फिर एक चार्ट पर भी बात करेंगे। इस थ्योरी में प्रत्येक राशि को 15-15 डिग्री के दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक राशि का 0 डिग्री से 15 डिग्री का पहला भाग पहली होरा में, 15 डिग्री से 30 डिग्री का दूसरा भाग दूसरी होरा में। इस थ्योरी में होरा कुंडली में केवल कर्क और सिंह राशि आती है। सभी ग्रहों को सूर्य और चंद्र की राशियों में डिवाइड किया जाता है। सूर्य पिता का कारक, चंद्र माता का कारक। इसलिए ये माता पिता को इंडिकेट करते हैं सूर्य चंद्र में, और माता पिता की ब्लेसिंग से हम धन दौलत जो है कमाते हैं। इस मेथड में ओड नंबर की जो राशियां हैं मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ, ये राशियां अग्नि और वायु तत्व की राशियां हैं। इनमें पहली होरा 0 से 15 डिग्री सूर्य की होती है क्योंकि ये अग्नि तत्व राशियां और वायु तत्व राशियां। दूसरी होरा इनमें 15 से 30 डिग्री इवन नंबर की राशियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर और मीन चंद्र की होती है। इवन नंबर में उलट हो जाता है। इवन नंबर की जो राशियां हैं ये पृथ्वी और जल तत्व की राशियां हैं। इनमें पहली होरा चंद्र की ही होगी, दूसरी होरा सूर्य की होगी। होरा कुंडली में लग्न या कोई अन्य ग्रह यदि सूर्य होरा में हो तो वह सूर्य राशि में होते हैं। सूर्य की होरा के अधिष्ठा जो है वो देवी और देवता है। इस होरा में स्थित ग्रह खुद के प्रयासों से कमाई हुई धन संपत्ति के बारे में हमें बताते हैं, दर्शाते हैं, मतलब हमारी मेहनत द्वारा। क्यों? क्योंकि अग्नि और वायु तत्व में अधिक ऊर्जा होती है। होरा कुंडली में लग्न या कोई अन्य ग्रह यदि चंद्र की होरा में हो तो वह कर्क राशि में होंगे। चंद्र की होरा के भीतर होते हैं, मतलब स्वर्गवासी हमारे बड़े बुजुर्ग। इस होरा में ग्रह पुरुषों की ब्लेसिंग द्वारा धन प्राप्ति को या संपत्ति को दर्शाते हैं। चल रही कोई भी दशा यदि चंद्र होरा की हो तो धन कमाने में जातक को जितनी मर्जी परेशानियां दरपेश आए फिर भी जातक आराम से लगा रहेगा अपने काम में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और जल तत्व राशियां व्यवहारिक और शांत दृष्टिकोण देती है। देवगुरु बृहस्पति धन संपत्ति के कारक हैं, होरा कुंडली में इनकी स्थिति काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। सूर्य मंगल बृहस्पति जब सूर्य की होरा में होते हैं तो शुभ होते हैं,
चंद्र शुक्र शनि जब चंद्र की होरों में होते हैं तो शुभ होते हैं, बुध दोनों होरों में शुभ माना जाता है। अब प्रत्येक होरा को जो कि 0 से 15 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, 15-15 डिग्री का भाग है, इन होरा को आगे 5-5 डिग्री में बांटा जाता है। 0 से 5 और दूसरी तरफ 15 से 20, इस भाग में जो प्लैनेट होता है ना वो सबसे मजबूत होता है। दूसरा भाग 5 डिग्री से 10 डिग्री और दूसरी तरफ 20 से 25 डिग्री, उनमें मध्यम होता है। तीसरा भाग 10 से 15 डिग्री और दूसरी तरफ 25 से 30 डिग्री, सबसे अधिक कमजोर माना जाता है। होरा कुंडली में लग्न लग्नेश चंद्रमा को देखते हैं। यदि एक क्रूर ग्रह लग्नेश होकर राशि कुंडली में ओड नंबर की राशियों में स्थित हो, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 में तथा D2 में सूर्य की होरा में जाए तो जातक क्रूर शक्तिशाली और अमीर होता है। इसी तरह शुभ ग्रह राशि कुंडली में इवन नंबर की राशियों में स्थित हो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर वाली राशियां, और D2 में चंद्र की होरा में हो तो जातक तजस्वी मीठा बोलने वाला और भाग्यशाली होता है। लेकिन यदि स्थिति मिलीजुली होगी तो परिणाम भी आपको मिले जुले मिलेंगे। होरा कुंडली में किसी जातक की वाणी स्वभाव धन संपत्ति के बारे में जानने के लिए आपको चल रही दशा के स्वामी को देखना चाहिए। मान लो एग्जाम्पल मंगल की दशा चल रही हो, राशि कुंडली में मंगल मीन राशि में 4 डिग्री पर चंद्र की होरा में स्थित होता है। जातक इस दशा में धीरज भाव से चीजों को समझ कर चलने वाला होगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या यूं कहें उसे मेहनत भी करेगा तो वह मेहनत करने में तकलीफ का अनुभव नहीं करेगा यदि इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी। दूसरी तरफ बृहस्पति को ले लीजिए जो कि एक शुभ ग्रह है, उसकी दशा हो बृहस्पति चार्ट में सिंह राशि में होकर सिंह होरा में पहले भाग में हो तो इस दशा में जातक कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाला होगा और बृहस्पति मेहनत भी करवाएगा, क्योंकि D2 दूसरे भाव का विस्तृत रूप है और दूसरे भाव से वाणी भी देखी जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जातक कठोर वाणी का, कठोर शब्दों का प्रयोग भी करेगा। लेकिन यदि आपको जातक के मूल स्वभाव के बारे में जानना हो तो लग्नेश और चंद्रमा की स्थिति को हमें चार्ट में देखना होगा। यह थी एक छोटी सी चर्चा D2 जो प्राचरी हो रहा, ऑलमोस्ट आपको सभी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है सॉफ्टवेयर उनमें आपको मिल जाएगा। अब एक चार्ट पर चर्चा कर लेते हैं। ये रहा चार्ट दोस्तों, ये मेन लग्न का चार्ट है। इसमें हम लग्न की सबसे पहले डिग्री देख लेते हैं। 3 डिग्री लगभग लग्न की डिग्री जो है, इसका मतलब जो ये चार्ट बनेगा D2 इनमें वो कर्क राशि का बनेगा। अब यदि प्लैनेट की सिचुएशन देखें, पहली नजर में ही हम देख सकते हैं कि ज्यादातर प्लैनेट चंद्रमा को छोड़कर वृषभ राशि में, कर्क राशि में, कन्या में, वृश्चिक में और मकर में, इवन नंबर की राशियां, जल तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां। शनि को देखें पहले, शनि 12 डिग्री का है राशि कुंडली में, वो वृषभ राशि में और D2 में वो चंद्र की राशि में, बढ़िया। केतु और राहु 19 डिग्री, ये दोनों सूर्य की राशि में जाए तो भी 15 डिग्री से ज्यादा इनकी डिग्री है। इसी तरह सूर्य देखेंगे 19 डिग्री, राशि चार्ट में ये कन्या राशि में है लेकिन D2 में ये सिंह राशि में जाए। इसी तरह मरकरी है 17 डिग्री, ये भी सिंह में जाएगा। वीनस है 29 डिग्री, ये भी सिंह राशि में जाएगा। मंगल 23 डिग्री, ये भी सिंह राशि में जाएगा। गुरु वृश्चिक राशि में है, 10 डिग्री का है, D2 में चंद्र राशि में जाएगा जो कि बढ़िया है। रही बात चंद्र की, चंद्र राशि चार्ट में सिंह राशि में है, शुभ प्लैनेट है,
डिग्री देखें तो 17 डिग्री है, तो ये सिंह राशि में जाएगा। अब यहां ध्यान दें, अभी जातक को राहु की दशा चल रही है, चंद्र की दशा 91 से शुरू हुई थी, 10 साल की दशा थी। चंद्र धन भाव में है, सिंह अग्नि तत्व की राशि मेष उसमें विराजमान है, राशि चार D2 में ये सिंह राशि में चला, मतलब मिले जुले परिणाम मिलेंगे। हुआ क्या, इस दशा में जातक ने काफी धन संपत्ति इकट्ठी की और इसी दशा में चली मिले। राशि चार्ट में फिफ्थ भाव का स्वामी होकर मून सेकंड मार्क भाव में चला गया, त्रिकोण भाव का स्वामी है, धन भाव में गया, बहुत बढ़िया, लेकिन शुभ प्लैनेट है, जिस भाव में जाएगा उसकी वृद्धि तो करेगा करेगा। जहां ये धन की वृद्धि की वहीं सेकंड भाव मार्क भी है, तो जातक धन दौलत भी काफी इकट्ठी की, इसी दशा में चली भी गई और इसी दशा में जातक मौत के मुंह से निकल भी था। D2 जो चार्ट है नॉर्मली यदि हम देखें इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ज्यादातर लोग देखते नहीं, लेकिन ये काफी यदि आप देखना हो धन संपत्ति से संबंधित खुशियां नुकसान उनकी प्राप्ति, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसको हमें बड़े ही ध्यान से देखना होता है, और काफी ज्यादा ये चार्ट किसी जातक की धन संपत्ति की प्राप्ति या नुकसान के बारे में हमें इंडिकेट करता है। इस वीडियो में पराशरी हुरा का जिक्र किया गया है, आने वाले वीडियो में कुछ और मेथड हैं जिन्हें मैं मोस्टली देखता ही देखता उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, यदि वीडियो को आपने आप अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, वीडियो को वहां कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों।